किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बालूशाही। उसको बनाने के लिए मैंने ये एक कटोरी मैदा लिया है और उसी कटोरी का हम आधा से थोड़ा कम घी लेंगे। अब हम मैदा को निकाल लेते हैं बड़ी सी थाली में और इसी के बीच में हम बेकिंग सोडा डालेंगे, ये आधा चम्मच से थोड़ा कम है, और इसी में हम घी ऐड कर देंगे। इसको हम मिलाएंगे। इसको हम डो बनाएंगे, जैसे हम रोटी का हम बनाते हैं उसी तरह हमको डो लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम सानेंगे। ये देखिए हो गया है, हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसको हम आधा घंटे के लिए किसी कंटेनर में ढक के रख देंगे। आपके पास अगर ये नहीं है तो किसी भी पॉलीथीन में रख सकती हैं, या तो किसी रुमाल के गीले करके ढक के रख सकती हैं। ये देखिए आधा घंटा हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा मल लेंगे और हम फिर बालूशाही बनाएंगे। इसको हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे, जितना आप छोटा बड़ा खाना चाहते हैं उसी तरह आप बनाइए। ये देखिए मैंने इतना छोटा छोटा बनाया है। इसी को हम थोड़ा हाथों में मल के इसको चिकना कर लेंगे। ये देखिए जिधर हमको रफ दिख रहा है उधर से हम अपने थंब से प्रेस करेंगे। हमको बहुत तेज़ी से प्रेस करना है ताकि बिल्कुल नीचे तक ये निशान चला जाए। ये देखिए इसी तरह हम दूसरा बनाएंगे। ऊपर की ओर जिधर चिकना है उधर से हमको नहीं करना है, वो रफ़ की तरफ हमको अपना थंब से दबाव देना है। ये देखिए बिल्कुल टाइटली हमको अंदर तक दबाना है। इसी तरह हम सब बना लेंगे। ये देखिए मैंने बना लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये मैंने घी चढ़ा दिया था, इसमें बिल्कुल स्लो फ्लेम में मैंने ये इसको डाला है। गरम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का सा गरम है ये। इसको सारे इसमें बालूशाही डाल देंगे। अब बिल्कुल स्लो फ्लेम में हमको इसको तलना है, तेज़ ज़रा सा भी नहीं करना है। ये देखिए मैंने सब डाल दिया है। अब इसको हमको तुरंत नहीं टच करना है, बस 4-5 मिनट बाद हम इसको धीरे धीरे घुमाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे फूल रहा है। इसको हम ये नाइफ़ की मदद से थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे। आप जब भी घर में बनाएं तो इसमें इतना घी डालिए कि बालूशाही पूरा डूबा रहे। मैंने थोड़ा कम डाला है, लेकिन आप जब भी बनाइए तो घी ज़्यादा डालिए, जिससे डूब डूब के अच्छे से ये फ्राई होंगे, ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे। ये देखिए अब धीरे धीरे इसको हमको पलटना है। ये बिल्कुल हल्का गुलाबी होने लगा है, आराम से हमको पलटना है नहीं तो ये टूट जाएंगे। ये देखिए मैंने पलट दिया है। इसी तरह हम अलट पलट के हल्का गुलाबी करते रहेंगे, क्योंकि स्लो फ्लेम है हमारा, तेज नहीं है। इसी तरह हमको घुमाते रहना है। ये देखिए और अच्छे से ब्राउन होने लगा है। ये देखिए हमारा बालूशाही फ्राई हो गया है। अब इसको हम निकालते जाएंगे। जो आराम से हमको निकालना है। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अब हम चाशनी बनाते हैं। जितना हमने मैदा लिया था उसे थोड़ा सा कम हम चीनी लेंगे और उसी का हम आधी कटोरी पानी लेंगे। अब इसको हम चाशनी बनाएंगे।
ये देखिए चाशनी हमको ऐसा बनाना है, बिल्कुल एक तार की चाशनी हमको बनाना है। आप कोई फ्लेवर के लिए आप डाल सकती हैं, केवड़ा डाल सकती हैं, इलायची पाउडर डाल सकती हैं, मैंने गुलाब जल डाला है। इसको हम मिलाते जाएंगे। ये देखिए हमारी चाशनी पकने लगी है, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये तार बनने लगा है, ये हमारा चाशनी रेडी हो गया है। अब हम इसी में अपने बालूशाही को डालेंगे। पहले तो हम गैस ऑफ कर देते हैं, इसी में हम डालते जाएंगे। और धीरे धीरे इसको मिलाते जाएंगे ताकि ये अंदर तक चाशनी चली जाए। ये देखिए इसको पलट पलट के घुमाते जाएंगे ताकि चारों तरफ ये चाशनी मिलती जाएगी। ये देखिए चारों तरफ ये चाशनी मिलने लगी है। आप इसी तरह हिला हिला के चारों तरफ बालूशाही में चाशनी डाल सकते हैं। ये देखिए अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल सूख जाएगा और चीनी इसके ऊपर चिपक जाएंगी। अब हमारा बालूशाही तैयार है। अब ये ठंडा हो जाएगा तो हम सर्व कर देते हैं। ये देखिए तैयार हो गया। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।